रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन लेखक, जाने माने लेखक हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एविड एजुकेशनिस्ट हैं। स्वागत करती हूँ मैं केशव मोहन पांडे जी का। नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्कार, मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सौभाग्य में। बहुत बहुत स्वागत। है, सादर आभार। मेरा सौभाग्य है इस मंच पर आना। आप सब इस लायक समझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार। आपका आभार कि आप इस मंच पर आए। तो जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो यंग परफॉर्मर्स हैं, नए लोग हैं, प्रैक्टिशनर हैं अलग अलग फील्ड के, तो जितनी भी जो इंस्पिरेशनल जर्नी रहती है शख्सियतों की, वो हम चाहते हैं कि उससे हमारे सब लोग रूबरू हों। तो हम यही चाहेंगे, जो आपका साहित्य में सफर रहा है, साहित्य के क्षेत्र में, तो हम चाहेंगे कि हम भी उससे रूबरू हों। आप हमसे वो साझा कीजिएगा, हमारे खुशनसीबी से भी होगी। ये मेरा सौभाग्य है। और सच में बताऊं कि आज यह पहला वक्त है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी जर्नी को, जो भी जैसी भी जर्नी रही, मैं साझा कर रहा हूं। और निश्चित ही इसमें जो बुराइयां होंगी, मैं अपने सभी श्रोताओं से चाहूंगा कि उन बुराइयों को दूर कर लेंगे, उन बुराइयों को नहीं छुएंगे, और जो अच्छाइयां कहीं नजर आएंगी तो उसे ले लेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि मेरी पहली कविता, मैं अपनी पहली कविता 1992 में लिखा, जब मैं 12th पास किया था और ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया था। मैं वो पहली कविता मेरी थी माँ बाप। दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा, फिर अपनी जी पूरी बिल्कुल कहानी बताना चाहूंगा कि बिल्कुल वो कविता थी ऐसे, साधारण सी थी कविता, थी ऐसे कि जीवन में है दो अनमोल रतन, जिसे नहीं छू सकता मन। माँ बाप घर मेरे हैं, अनंत प्यार से घेरे हैं। जिनके घर नहीं है माँ बाप, उनका घर मानो है अभिशाप, उनका घर मानो है अभिशाप। क्या और बात। समय के साथ ऐसा हुआ कि आज मैं भी उसी अभिशाप में हूँ, माँ बाप नहीं है। लेकिन इस कविता की, अगर यहाँ मैं जब जो कविता लिखा, काजल मैं बताऊं कि जब मैं 6th में पढ़ता था, उस समय मेरे विद्यालय में शनिवार के दिन जैसे बाल सभा होता था, मुझे मन करता था कुछ सुनाऊं। थोड़ी सी डर और झिझक बनी रहती थी। मैं चार भाई हूँ, चार भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो मुझसे जो बड़े वाले भाई साहब हैं, उस समय खूब कविताएं लिखते थे और अनेक मंचों पर यूपी, बिहार, झारखंड और देश के अन्य राज्यों के साथ साथ नेपाल तक जाते थे, मंचों को साझा करते थे। तो उनसे मैं कविताएं लिखवा करके, वो लिखते थे तत्कालिक विषय पर, कविताएं लिखवा करके ले जाता था और पढ़ता था। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि जो मुझे लगता है कि अगर मैं कविता लिखने लगा या साहित्य के प्रति प्रेरित हुआ, तो शायद यही माहौल रहा। उसके बाद से उसी समय मेरे यहाँ के जो, मैं मेरा बचपन एक गांव में बीता, छोटे से गांव में बीता जो गंडक के किनारे था। अब मेरा गांव नहीं है, गंडक के कटान में वह बह गया है। गंडक नदी के कछार पे हम लोग रहते थे। तो अब हम जिस कस्बे में रहते हैं, उसका नाम है तमकुही रोड सेवरही, ये कुशीनगर जिला में पड़ता है। तो उस गांव के जितने नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान थे, हम सबके कुनबे के परिवार के, उन नौजवानों की सक्रियता यह जो प्रेरित करती है कि जब उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो युवा, मुझे लगता है जब नौकरी नहीं मिलती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है, बहक जाता है, रास्ते उनके बदल जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ के नौजवानों ने मिल करके एक रामलीला मंडली बनाया। और मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर पर 7-8 दिनों तक रामलीला का आयोजन होता रहा। उस समय मैं कुछ नहीं था, लेकिन देखने जाता था, छोटा सा था मैं। एक बार राम जन्म लेते हैं, उसके बाद का दृश्य था, शायद कोई राम उन्होंने नहीं निर्णय लिया होगा, और पहली बार मुझे ले जाकर वहां बैठा दिए। तो दोनों चीजें, बड़े भाई और राम, ये दोनों मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य की ओर प्रेरित कर दिए और मन में कहीं अंकुरण होने लगा। और वह अंकुरण जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया, तो पहली कविता के रूप में, और वह भी वहां भी एक, मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं इस मंच से, ताकि यह जो सोशल साइट्स है, कहीं वह हो तो जरूर सुने। जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया, मेरा एक मित्र बना,
संजय मिश्र नाम का। वो संजय मिश्र एक साल हमारे साथ पढ़े फर्स्ट ईयर में, और किसी कारणवश वो आईआईटी नहीं आईटीआई करने लगे, चले गए एक साल बाद। उसके बाद से आज तक मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का उनका घर कहीं और था, मेरा घर कहीं और आज तक मुलाकात नहीं है। उस समय फोन वगैरह कुछ होता नहीं था कि नंबर ले लें या पता बहुत अधिक नहीं मालूम है तो, लेकिन उस व्यक्ति के कारण भी और कविता आगे बढ़ी, क्योंकि अब वो हमसे, हम दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते थे। हम लोग कहते थे कि चलो आज देखते हैं इस विषय पर कविता बनाते हैं, और जैसे ही जोड़ घटाना करके तुकबंदी करके बनाते थे, वहां से शुरुआत हुई। इस शुरुआत के साथ ही आगे एक और मेरे मित्र हैं डॉक्टर विवेक पांडे, तो वो मेरे साथ पढ़ते थे। हम दोनों में एक दूसरे तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हम दोनों कविताएं याद करते थे, और यह होता था कि देखे कौन सबसे अधिक कविता याद करता है। तो यह भी कारण रहा साहित्य के प्रति प्रेरित या साहित्य लिखने के लिए मन में जो भाव जगे, क्योंकि मेरे साहित्य गुरु हैं, दो लोग साहित्य गुरु हैं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ाया नहीं है, लेकिन साहित्य के लिए खूब पढ़ाया, जीवन में खूब पढ़ाया है। एक हैं श्री आर्डियन श्रीवास्तव सर, और एक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे। तो आर्डियन श्रीवास्तव सर कहते थे, बार बार कहते थे, जब भी मिलता था कहते थे, आज क्या लिखे हो? मैं कहता था आज तो कुछ नहीं लिख पाया। पढ़े हो कुछ? मैं कहता नहीं सर, अभी नहीं पढ़ पाया। तो वो दो चीजें कहते थे, एक तो कहते थे कि देखो पढ़ना जरूरी है, जब गिलास भर जाएगा तो अपने आप छलकने लगेगा, और अगर ऊपर वाले ने कुछ गुण दिया है, इस तरह का साहित्यिक गुण दिया है लिखने के लिए, तो जब नहीं लिखोगे तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला कटघरे में खड़ा करेगा और कहेगा कि तुम्हें ये गुण दिया था, सबसे नायाब तोहफा दिया था, क्या किए मूर्ख, जाओ अभी नरक में जाओ। तो इन इन चीजों ने खूब प्रेरित किया, और सच में बताऊं कि उसके बाद से मैं खूब किताबें उस अवस्था में, मतलब जो कॉलेज लाइफ है, किताबें भी खूब पढ़ा, और लिखने का दौर वहीं से शुरू हुआ। तो पहली कविता थी माँ बाप, और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो वो जड़ है मेरी। तो मुझे लगता है कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, अपनी जड़ को, उसकी जड़ अपनी मिट्टी से पकड़े रहे। तो मातृभाषा में भी मैं अपनी भोजपुरी में भी खूब लिखता जी, तो मैं अपनी मातृभाषा में भी खूब लिखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसमें मेरी पहली, मैं सबसे पहले मातृभाषा में कहानी लिखा था, ये 1997 में लिखा था, आप भी जानती होंगी लिट्टी ना, लिट्टी बड़ा फेमस है हमारी तरफ का, ठीक है, बड़ा स्पाइसी होता है लिट्टी, तो जैसे दाल बाटी, बाटी जो, जी 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 जी, तो लिट्टी एक ऐसी, लिट्टी एक कहानी है, जैसा कि मैं आपको बताया कि मेरा बचपन वो नदी के किनारे बीता है, गंडक के कछार पर हम लोगों का गांव था, तो वो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय दस्युओं का, डाकुओं का भी उस समय बोलबाला अधिक रहा करता था, अपहरण लूट इत्यादि को हुआ करता था। तो बस उसी परिस्थिति पर यह, मतलब सच्चाई को व्यक्त करती हुई ये कहानी है, ये पहले सबसे पहले लिखा। और उसी समय एक बारात में लंबी यात्रा करके हमें दार्जिलिंग के आगे बीनागुड़ी एक जगह है, जलपाईगुड़ी के आगे बीनागुड़ी एक जगह है, वहां हमें जाना पड़ा था। वह भी एरिया उस समय बहुत अच्छा नहीं था, डरावना था, खूबसूरती तो इतनी थी कि क्या कहा जाए, इतनी है भी आज भी। तो जब मैं वहां किसी से पूछता था कि वहां हम लोग जाएं घूमने, कहीं दिखाई दे रहा है पहाड़ी, दिखाई दे रही है चाय बागान, दिखाई दे रहा है, तो कहते थे अकेले मत जाओ, हम चलेंगे। तो फिर पूछने पर पता चलता था क्या स्थिति है। उस पर मेरी पहली कहानी हिंदी की बस मुड़ गई, जो कहानी है प्रेम कहानी, और बहुत दिनों तक जिससे भी मैं सुनाता था, मैं आपको बताऊं, जिससे भी सुनाता था, यह सौभाग्य रहा मेरा कि पता नहीं वो कहानी कैसे बन गई, कि बहुत दिनों तक लोग कहते थे कि अच्छा वो मिली कि नहीं दोबारा, वो तुम्हारी अपनी कहानी है ना, ठीक है, वो तुम्हारी इतनी कहानी है ना, कभी बात किए कि नहीं, तो ये अच्छा लगता है। आज भी जब वो उन दृश्यों को सुनता, वो याद करता हूं, तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ इस तरह से।
ये इस तरह से धीरे 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 पढ़ता गया, कुछ लिखता गया और साहित्य में रुचि बढ़ती गई। तो हम चाहेंगे कि हम आपका लिखा कुछ जरूर सुनें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक सुनाता हूँ, हिंदी की कविता है मेरी, माँ बहुत बड़ी होती है। क्या बात, क्या ये बात, इसकी भी बहुत खूबसूरत परिस्थिति, टाइटल। इसकी भी परिस्थिति बता देता हूँ कि शादी के बाद भी मैं यहाँ रहने लगा, दिल्ली में रहने लगा। पत्नी मेरी माँ के पास रहती थी, जब मैं जाता था, माँ मेरी वृद्धा थी, जब मैं जाता था तो माँ बातचीत होती थी, समझाती थी कि ऐसा है, शहर में रहते हो, अकेले रहते हो, देखो बहुत ज्यादा किसी से नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ा समय बहुत खराब है। मैं मना कि देखो मेरे जमाने में ऐसे होता था कि एक चुप्पा अनेक वक्ताओं को चुप करा देता है ना। मैं कहा अरे चुप रहिए, आपके जमाने में क्या होता था। फिर वो कहती अरे तुम अभी बच्चे हो। जब वो कहती थी तुम अभी बच्चे हो, तो यहीं से कविता फूटी। सुने, बाकी व्याख्या नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी कविता बाकी व्याख्या करे कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, कल तक तो केवल पुत्र था, अब पति और पिता हो गया हूं, वाह, क्या दो रोटियां भी बात, जुटा लेता हूं, दो रोटियां भी जुटा लेता हूं, चार लोगों में मान है, फिर भी मेरी माँ मुझसे कितनी अनजान है। दो रोटियां भी जुटा लेता हूं, चार लोगों में मान है, फिर भी मेरी माँ मुझसे कितनी अनजान है। जब उसकी अपने जमाने की बातों पर लगाम लगाना चाहता, तो उम्र में कच्चा कहती है, माँ मुझे आज भी बच्चा कहती है, माँ मुझे आज भी बच्चा कहती है। तब मुझे लगता बुढ़ापे के कारण ठीक से देख नहीं पा रही, तब मुझे लगता बुढ़ापे के कारण ठीक से देख नहीं पा रही है, या खो दी है बोलने का शऊर, या इस वृद्धावस्था ने बकबक करने को कर दिया है मजबूर। वाह, लेकिन उसकी जर्जर शरीर से फूटती ज्ञान की बातें चमत्कार लगती हैं, तब माँ ईश्वर का अवतार लगती है, तब माँ ईश्वर का अवतार लगती है। जब भी देखो मेरे कंधे के सहारे खड़ी होती या चारपाई पर पड़ी होती है, फिर भी माँ बहुत बड़ी होती है, फिर भी क्या माँ बात, बहुत बड़ी होती है। क्या बात, क्या बात। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे गूज बम्स हो गए। इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत कविता है। और ये सच है, एक एक चीज जो आप, एक एक तो लफ्ज जो है वो कितना सच्चा है। मेरे गूज बम्स हो गए आपकी कविता सुन के। बहुत खूबसूरत कविता, थैंक यू बहुत सो मच, थैंक खूबसूरत कविता, यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच, थैंक यू खूबसूरत। सो मच। आपने कविताएं लिखी हैं, आपने कहानियां लिखी हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं चाहूंगी उनके बारे में भी आप हमसे हमें बताएं, जो आपने हाँ किताबें लिखी हैं, जी, पोएट्री में लिखी हैं, हिंदी आप में लोगों लिखी की हैं, है ना। दुआओं से, जी, आप लोगों की दुआओं से कुछ लिखा मैं। मेरी सबसे पहली किताब आई भोजपुरी कहानियों की 2013 में, कठकरेज, हार्ड दिल वाला, कठोर दिल वाला, कठकरेज। तो उसमें उसमें 10 10 कहानियों का संकलन है, जिसमें मेरी पहली कहानी लिट्टी भी है। कठकरेज के बाद मेरी किताब आई एक, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा और आपके साथ साथ दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। मेरी किताब आई मैथिली भोजपुरी अकादमी के सौजन्य से, उनकी ओर से, जिंदगी रोटी नाह। जिंदगी रोटी नाह जो मेरी किताब है, एक कविताओं की किताब है, भोजपुरी की किताब है, और इसमें इसमें अनेक प्रकार की कविताएं हैं। जिंदगी रोटी नाह को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आज का जीवन सब रेडीमेड जीवन हो गया है, कुछ भी रोटी भी चाहिए तो ऑर्डर किया जाए, स्विगी इत्यादि ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है, लेकिन जिंदगी वैसा नहीं है, रेडीमेड नहीं है। उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैंने जो बिंब दिया है, दृष्टांत दिया है, वह एक किसान का दिया है जो खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, तो क्या क्या करता है, और आज वही किसान कितना परेशान है इस तरह से। इसमें लेकिन इसमें से अगर सुनाना होगा तो मुझे, मैं एक ऐसा एक गीत सुनाऊंगा थोड़ा सा, जो हमारे भोजपुरी में एक सोहर होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो सोहर छंद पर मैं ये गीत लिखा हूं, प्रेम गीत लिखा हूं, जी, और आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अनेक श्रोता सुनेंगे कुछ बिंब, जो भोजपुरी के मीठे शब्द जो खत्म हो रहे हैं उनका मैंने प्रयोग किया है। तो अगर क्या आपकी अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि वो सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो वेयर प्रिविलेज, हमारा सौभाग्य है ये कि हम आपसे सुन रहे हैं।
अरे क्या खूबसूरत बात, जी क्या बात, जी धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ। हाँ मेरे साथ एक यह भी दिक्कत है कि मेरी कविताएं मुझे याद नहीं रहती हैं, तो जी इसलिए बिल्कुल मैं सुना सही रहा हूँ, सही सुने बिल्कुल और श्रोताओं को अभिवादन, श्रोताओं का अभिवादन, उन्हें नमस्कार। सुने, हम हूं तहरे पर लुभा गईनी बेली, जस फूला गईनी अपना के भूला गईनी हो, ये समरो चान सूरुज जैसे अंकिया से हम भकुआ गईनी हो, ये समरो चान सूरुज जैसे अंकिया से हम भकुआ गईनी हो। एक दो छंद सुनाऊंगा कि बतिया तहार जैसे चुए मधु, अमवा मुजरिया से महुआ के कोचिया से हो, ए समरो हीरवा से जैसे हम छुआ गईनी, हम हूं धधा गईनी जिंदगी लिखा गईनी हो। एक छंद सुना रहा हूं, उसके बाद से फिर आगे भी, कि बसवा के लचकत कमनिया से चान के चननिया से तहरो बदनिया से हो, इस समरो निहिया में हम चभोरा गईनी और यगरा गईनी, गंगा में नहा गईनी हो। प्रेम की परिणति होती क्या है, तो अंत का छंद मैं सुना रहा हूं कि दोभिया पर ओस के सुरतिया जोरिया के बतिया निहिया के बतिया हो, इस समरो अगीला जन्म हम लिखा गईनी, यही में बिला गईनी सबके बता गईनी हो, इस समरो अगीला जन्म हम लिखा गईनी, यही में बिला गईनी सबके बता गईनी हो। धन्यवाद। ये मुझे बहुत प्रिय है और कुछ श्रोता भी इसे पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से, मैं चाहा कि मौका है तो बहुत खूबसूरत। सुनाऊं मैं यही और जरूर कहना आप चाहूंगी लोगों यहाँ के पे सामने आपकी प्रस्तुत करूं, कविता में, मेरा सौभाग्य होगा। तो ये भोजपुरी की दूसरी किताब थी, तीसरी किताब में ये पहले कही है, पहले एक मुट्ठी मैं सर्प, ये केतु जी, लेख पसंद है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपने जो ये सुनाया जी इसमें अपनी मिट्टी की इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी। मुझे आई एम श्योर कि हम सभी जी लोग जो भी हमें देख रहे हैं अपने अपने इलाकों में पहुंच गए होंगे, जिस तरह से मैं अपने अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ अपने शहर पहुंच गई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था ये। और आपकी आवाज जी क्या थैंक कही, बहुत खूबसूरत। जी जी यू थैंक यू थैंक यू। तो ये दूसरी किताब थी भोजपुरी की, तीसरी एक मेरे लेखों का संग्रह है, एक मुट्ठी सरसों। उसके बाद से अभी भी काम जारी है। मैं भोजपुरी के लिए भी मेरे यहाँ पर मेरे अभिभावक तुल्य वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अशोक लव सर हैं, उनकी एक उनका एक उपन्यास है शिखरों से आगे, उसका मैं भोजपुरी में अनुवाद कर रहा हूँ और ये लगभग 15-16 पेज और बचा हुआ है। तो क्या इसके साथ साथ हिंदी को मैं, मतलब हिंदी के लिए मैं कहता हूँ कि हिंदी की मैं खाता, हिंदी को मैं जीता, हिंदी मेरी राम कहानी, हिंदी मेरी गीता, क्योंकि मैं हिंदी अध्यापन ही करता हूं और उसी से रोजी रोटी है, तो हिंदी तो विसार ही नहीं सकता। और भोजपुरी के लिए बता ही दिया, वो आत्मा है मेरी, जड़ है मेरी, मिट्टी है, तो उसके बिना बिल्कुल मेरा अस्तित्व ही नहीं है जी। तो हिंदी में मेरी लेखों का मेरा पहला संग्रह आया, ये आपके सामने है, संभवामी युगे युगे। मुझे जी लगा साहित्यकार भी जब समाज में अंधकार छा जाता है तो बार बार जन्म लेता है, रोशनी, तो बिल्कुल रोशनी लाता है। इसलिए इसका शीर्षक रखा। दूसरी मेरी कहानियों की किताब है, ऑनलाइन जिंदगी।
इसमें अनेक कहानियां हैं, और अनेक कहानियों में से मैं ये कहानी कुछ थोड़ा सा पाठ करना चाहूंगा आपके सामने विशेषकर, क्योंकि आप स्वयं और इस मंच से अनेक ऐसे कलाकार और ऐसे श्रेष्ठ लोग आते रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, कश्मीर से मूलतः लोग आते रहे हैं। तो एक मैंने कल्पना किया है, और अब मैं बेचैन भी हो गया हूँ कि ये लॉकडाउन खत्म हो, फिर मैं खुद आऊं आपके यहाँ और उसका सेवन भी करूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये तब मेरा लिखा हुआ यह और सफल हो जाएगा। तो सुने, एक इस कहानी का शीर्षक दिया हूँ प्यार का रंग। आप समझ ही गई होंगी कि मैं पिंक टी नून चाय की बात कर रहा हूँ। जी, तो प्यार का रंग कहानी है जिसमें मैंने दो संस्कृति का प्रयास किया है, दो संस्कृतियों के मिलन का। एक केरल की मेड है जो कश्मीरी परिवार में काम कर रही है। जी। तो थोड़ा सा वो नोक झोक जो है वो आप देखें, कश्मीरी परिवार में एक वृद्धा हैं और उनकी बहू हैं, बहू वीणा, और वो केरल की जो है सरोज। तो ऐसे मैं दो पेज पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। वीणा का मानना था कि ये केरल वाले ना हर व्यंजन में नारियल मिलाते हैं, कहीं नारियल का बुरादा तो कहीं नारियल का तेल, इनका चले तो सुबह सुबह चाय के बदले नारियल सूप बनाकर पिलाएं। नारियल भी कोई रोज रोज खाने की चीज है, कभी पूजा पाठ में प्रयोग कर लिया, प्रसाद के रूप में खा लिया, सो अलग बात है। अधिक से अधिक कभी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए नारियल के लड्डू बना लिए, लेकिन ओ गॉड, ये तो बस नारियल ही खाएंगे। वो तो भला हो नेचर का कि नारियल का पेड़ इतना लंबा हो गया, नहीं तो ये अपना घर भी वहीं पर उसी पर बनाते। शुभदा जी, जो वीणा की सासू जी, शुभदा जी ने हंसी रोकने के लिए आंचल मुंह में दबा लिया। सरोज समझ गई, सरोज जो मेड थी, दक्षिण भारतीय थी, खिलखिला उठी। वीणा को लगा कि उसकी सामान्य ज्ञान वाली इन तर्कों पर सरोज की हंसी ने असमय पानी डाल दिया। अपनी अपेक्षाकृत छोटी पुतलियों वाली आंख तरेर कर बोली, शर्म कर बड़ी आई सफेद दांत दिखाने वाली, और अंदर चली गई। सरोज ने शुभदा जी की ओर देखा, वे निष्कंप बनी थी, क्रिया और ध्वनि दोनों से मौन। मौनम स्वीकार लक्षणम का भावार्थ समझकर सरोज को बहुत ग्लानि हुई, रोने लगी, रोते रोते ऊपर चली गई। वीणा ने अपने लिए शुद्ध कश्मीरी नून चाय बनाया। आज वीणा का मन इस नून चाय को पीने से अधिक नारियल से अधिक प्रभावशाली सिद्ध करने का था। उस गुलाबी कलेवर की चाय को, चाय की गंध पूरे घर में फैल गई। वीणा चाय के छलकते मग के साथ आई और पूर्वत रंगत में थी। इधर उधर देखी, सरोज को कहीं नहीं देखकर शुभदा जी के पास गई। आपके लिए भी मग लाऊं मम्मी जी? सरोज आंसू पोंछते आई और सहजता से बोली, मुझे भी अपनी चाय पिलाओ ना बेबी जी। वीणा का मन तो किया कि पूरा मग ही उसके मुंह पर फेंक दे, मगर एक तो सरोज की बाल सुलभ स्वाद सुख पाने की जिज्ञासा, और दूसरी बात की अपनी नून चाय की श्रेष्ठता सिद्ध करने का मौका पाकर थूक निकल ली और किचन में चली गई। अब ट्रे लेकर निकली, ट्रे में वीणा के मग के साथ दो प्याली भी थी। प्यालियों की गर्दन तक गुलाबी झाग भरा हुआ था। सरोज ने सबसे पहले प्याली उठाई और पहली बार इतनी पास से उस चाय की रूप रंग को देखकर चीखी, ये क्या है बीबी जी, खून नहीं है किसी का, इतना क्या चीख रही हो, नून चाय है, नून चाय, नून चाय। हाँ जी मैडम, यह नारियल पानी से नहीं बनाया जाता, ना ही चिलचिलाकर बनाया जाता है, प्यार से बनाया जाता है, प्यार से। प्यार का रंग पता है ना, पिंक होता है, मतलब गुलाबी। इस नून चाय को पिंक टी कहते हैं मैडम। तो इस तरह से नोक झोंक मैं पिंक टी की याद ला रहा था, और मुझे पता है कि आप लोग जरूर ही जैसे ही पिंक टी पीते होंगे कश्मीर की वादियों में चले जाते होंगे, वहां की यादें आप लोगों को जरूर छूती होंगी। तो उसी पर आधारित एक कहानी है। वैसे मूलतः जो इसका जो ये शीर्षक है ऑनलाइन जिंदगी, वह भी नारी केंद्रित है कि नारी आज किस तरह से हमेशा ऑनलाइन रहती है, किस तरह से घर के सारे कामों को
कामों का निर्वाह करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कार्यालयी कामों को भी कर रही है, उस पर आधारित थी, उस आधारित है यह कहानी ऑनलाइन जिंदगी। तो ये मेरी कहानियों की किताब थी और मैं इसी बहाने आपको नून चाय की याद दिलाना चाहता था। निश्चित ही ये सौभाग्य की बात है कि इस मंच से आकर और मुझे इस कहानी का कुछ अंश पढ़ने पढ़ा सुनाने को मौका मिला। उसके बाद से मैं बेसिकली दो तीन कब जी जी मैं दो तीन कविताओं की पुस्तकें आई जिसमें जिसका मैं संपादन किया, पंच पर्णिका, पंच पल्लव और समवेत। ठीक है, पंच पर्णिका, पंच पल्लव, समवेत। तो ये इसमें पांच पांच कवि कवयित्री थे, पंच पर्णिका में भी, पंच पल्लव में भी। मैं इसी के साथ पंच पल्लव की कुछ एक कविता सुनाना चाहूंगा। एक छोटी सी कविता है कलियां। कलियां के बहाने मैं जो कहना चाहता हूं, अगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह मेरे मन के भाव, मेरे मन का उद्वेग श्रोताओं पाठकों तक पहुंचे, कलियां सुने। सौभाग्य भी है कि मैं देख रहा हूं इस मंच से बड़े 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 श्रेष्ठ जन जुड़े हुए हैं और उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, उत्साह बढ़ रहा है। तो कलियां कविता मैं प्रस्तुत करता हूं कि कांटों के बीच आंखें बंद रखती हैं। धन्यवाद कमला मैम। कांटों के बीच आंखें बंद रखती हैं कलियां, अपने भीतर असीमित सुगंध रखती हैं। कांटों के बीच आंखें बंद रखती हैं कलियां, अपने भीतर असीमित सुगंध रखती हैं, और उस सुगंध में रखती हैं संभावनाएं परागण की, और उस सुगंध में रखती हैं संभावनाएं परागण की। ये छोटी सी कविता थी कलियां। उसी तरह से पंच पर्णिका भी एक पुस्तक आई, पंच पर्णिका, पांच पत्ते। पंच पर्णिका में भी कुछ रचनाएं सभी श्रेष्ठ रचनाकारों की थी, और फिर समवेत साथ साथ चल रहा है। इस तरह से लगभग 8-9 किताबें आप लोगों की दुआओं की बदौलत, माँ सरस्वती की कृपा से आ गई हैं, और कुछ संपादन में, 4-5 संपादन में आ गई हैं। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं सभी का वेलकम कहना चाहूंगी। सुमन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुचित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुपत सिंह जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, बेमिसाल सिंगर हैं। सुचित्रा जी एक बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। गुरुपत सिंह बहुत बड़े सिंगर, और इन्होंने किताब लिखी है रागांजलि करके, जो रेयर रागास पे बेस्ड है। गुरुपत सिंह हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिखते हैं कि वर्सटाइल राइटर जी, बिल्कुल। सुचित्रा जी लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत आपने जो भी भोजपुरी में गाया, बहुत खूबसूरत। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े तो, हैं। अभी अभी किसी ने लिखा आपको कि काजल जी ऑनलाइन जिंदगी हमारी तुम्हारी जिंदगी से संबंधित हो गई। जी, ये सुमन जी जम्मू से लिख रही हैं, और ये खुद सुमन पाल जी ने लिखा। मैं आपको बता दूं, इसको समर्पण भी मैं नारी शक्ति को ही किया हूँ। क्या बात। सुनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपक नायडू हो रही है, तो यह समर्पण भी मैं नारी शक्ति को ही किया हूं। काजल जी अभी अब आप जुड़ गए शायद, अब आपकी आवाज, पहले ब्रेक हो रही थी आवाज। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं तब तक एक दोहा सुनाता हूं, मेरा सबसे प्रिय दोहा, कुछ मैं दोहे भी लिखता हूं। तो मित्रों की जो मंडली है, या जो मित्रता मिलती है, जो अच्छी मित्रता, उस पर एक दोहा है।
आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज आ रही है हमें, तो एक आपकी मित्रता आवाज आ पर रही है। मेरा दोहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि बन जाता जीवन सदा सुखद सुगंधित इत्र, बन जाता जीवन सदा सुखद सुगंधित इत्र, मिल जाते सौभाग्य से जो मन चाहा मित्र। तो जो अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो जिंदगी सच में सुगंधित हो जाती है। जी, एक यह दोहा में चाह कि आप सभी मित्रों के लिए और जो भी इस मंच से जुड़े हैं सबके लिए जरूर मैं प्रस्तुत करूं। अभी हम आपसे कुछ और भी सुनना चाहेंगे, हम आपसे कुछ और भी सुनना चाहेंगे भोजपुरी में, जिस तरह से आपने इतना खूबसूरत जो सुनाया था उसी तरह गायकी में आपसे जरूर कुछ सुनना चाहेंगे, फोक आप ही का लिखा हुआ। मैं प्रयास करता हूं और गाने गा करके सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मैं चाह रहा था कि ये ऑनलाइन जिंदगी यह भी सुने कि मैं जो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से बहुत लोगों के पास जाएगी ये बात, तो मैं सुनाना चाह रहा हूं ऑनलाइन ये सॉरी जिंदगी रोटी ना हो। सुने भोजपुरी गाए कि जिंदगी खाली तैयार रोटी ना हो, रेडीमेड रोटी नहीं, जिंदगी खाली तैयार रोटी ना हो। बेसिकली इसमें मैं जो बिंब बनाया हूं तो आपने देखा होगा कि बैलों से और हल से जो किसान खेती करते हैं उसका बिंब बनाया हूं कि जिंदगी खाली तैयार रोटी ना हो, पानी हो पिसान हो, रात के अन्हरिया पर टहकत बिहान हो, कुदारी के बेंट हो ठेहा लागल हाथ हो, कोर झोर कैला पर सगरो बनल बात ह, बैलन के जोत ह, बैलन के जोत ह, हर ह पालो ह, यह रीत चलेला अथक सालों सालो ह, जे दुर्गुण के चेखुर नोच नोच फेकेला, शीत घाम बरखा में अपना देहिया के सेकेला, ज्ञान संस्कार के खाद पानी डालेला, निरख निरख गेहुआ के जान के जोगे पालेला, बनरी या मोथा के उसमें घास है जो उसमें उगाती है, तो बनरी या मोथा के जामहू ना देला, जे नेह के पानी सींच सींच गलावे सगरो ढेला, जे उहे मध मिश्री रोटिया में पावेला, उहे मध मिश्री रोटिया में पावेला, ईश्वर दलिदर के सबके उभावेला, उहे बुझेला असली, उहे बुझेला असली मन से मन के भाषा का, उहे बुझेला असल में जिंदगी के परिभाषा का। अंतिम चार लाइन सुनिए कि तखेतवा बचाई बचाई किसान, किसान कहते हैं आटा को, तो तखेतवा बचाई बचाई किसान के, नाही तो हहरे के पड़ी एक चिटकी पिसान के, हरे के पड़ी एक चिटकी पिसान के। तो किसानों की रक्षा बहुत जरूरी है और बेचारे इतना मेहनत करने के बाद भी आज भी वो अपनी इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते, तो ये एक कविता थी। बहुत खूबसूरत, हमारा तो जी चाह रहा है कि हम आपसे सुनते ही रहे, इतना खूबसूरत आपका लेखन, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। और असल बात है साहित्य, साहित्य या जो कविता जो है, मैं अपने लिए बता दूं कि मुझे लगता है कि यह एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी को जो पाल लिया उसके बाद दूसरी बीमारी नहीं आती। यह जीवन की विषम परिस्थितियों में भी संजीवनी का काम करने वाला है ये साहित्य, ये कविता। तो मैं एक और हिंदी की कविता सुनाना चाहूंगा कि मेरी कविता मेरे लिए क्या है, छोटी सी कविता है, मेरे विचार हैं उसमें, कि बिंब है सिद्धार्थ और बुद्ध का, कि अंतर का युद्ध, अंतर का युद्ध सिद्धार्थ और बुद्ध दोनों लड़ते हैं और जो जीतता है वही लिखता है मेरी कविता। विचारों और व्यवहारों में, विचारों और व्यवहारों में तंग हाली की त्योहारों में होता है अंतर में युद्ध, और जो जीतता है उसी के साथ चल देती है मेरी कविता। रोग में राग में औषधि में फाग में चुनर की अनचाही दाग में, रोग में राग में औषधि में फाग में चुनर की अनचाही दाग में जो असहनीय पीड़ा दे जाती है उसी से जन्म लेती है मेरी कविता। मेरे अकेलेपन में भी, अशांत मन में भी मुस्कान अंकित कर जाती है।
कई बार अपनी ही कविताएं पढ़ते पढ़ते आदमी हंसने लगता है, मन खुश हो जाता है। तो मेरे अकेलेपन में भी, अशांत मन में भी मुस्कान अंकित कर जाती है, मोक पाषाण में दुनिया भर का आह्लाद भर जाती है और कर जाती है गुदगुदी, वही संगनी है मेरी प्रिया मेरी कविता। ये है मेरे लिए मेरी कविता। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ कश्मीर से इरशाद मासूम साहब जुड़े हैं, कश्मीर से ही हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मंजीत मान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी जुड़ी है, लिखती है कि नून चाय रिमाइंडेड मी ऑफ कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, ब्रॉडकास्टर है और बिहार से है। कमल शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आपने किताब, आपने कहानियां लिखी, आपने कितनी किताबें आपने बताया, आपने फोक जो आपने सबसे पहले सुनाया था सोहर, वो अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है और बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा कि इट वॉज ब्यूटिफुल रेंडिशन, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा और जिस अंदाज से आपने इसको आवाज दी बहुत ही खूबसूरत। और सरला मेहता जी लिखती हैं, अशांत मन में भी वाह, जो भी आपने कविता पढ़ी उसके लिए। अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इरशाद मासूम साहब लिखते हैं, मन के मन को भाने वाली कविता जो आपने अभी सुनाई, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं ये जानना चाहूंगी, सभी को प्रणाम, और मेरा सौभाग्य कि उन्हें मेरी लेखनी पसंद आई, उनका आशीर्वाद मिला, उनका स्नेह मिला। जी मैम बोले। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर हम उसको ठीक करना चाहे लिखने के बाद, लेखन जब कुछ भी करते हैं तो उसको हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि कई बार एक राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं वो आ जाता है कि हम उसको उस वक्त ठीक नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपना अनुभव, अपने अनुभव के साथ कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसे ही हुआ, 2004-5 की बात है, मैं एक गीत लिखा, उसका उदाहरण देकर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कैसे भूलूं तेरा प्यार, ये गीत था। उसमें स्थाई जो होता है, स्थाई के बाद एक पंक्ति के बाद अंतरा आ जाता था, वो मैं अपने साहित्य गुरु, अपने गुरु डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी को दिखाया भी, उन्होंने सुधारा भी और गीत मुझे भी अच्छी लगने लगी। उसके बाद समय का प्रवाह बढ़ते गया, फिर बीच बीच में भी मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छी लगती थी वो रचना। 2010-11 की बात बताऊं, उस समय हो सकता है कि मन में कुछ और भाव आ गए हों और उसका रंग ही बदल गया। अब उसमें 5-6 छंद हो गए उसमें और 4-4 लाइन और जुड़ गए। तो निश्चित ही मैं ये कहना चाहूंगा, मैं प्रयास भी करता हूँ उस चीज को, मैं बार बार अपनी पुरानी चीजों को, मैं जैसा कि आपने बताया है कि मैं थोड़ा बहुत छोटे मोटे कुछ नाटकों का भी लेखन करता रहा हूँ, तो मैं बार बार उन चीजों को मैं पढ़ता हूँ कि उसमें पढ़ने के साथ साथ ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर यह शब्द रहे तो और अच्छा रहेगा, तो करेक्शन होते जाता है। निश्चित ही मेरे विचार से किसी भी साहित्यकार को या किसी भी रचना कर्म करने वाले को अपनी रचनाओं को बार बार पढ़ना चाहिए। यही हमारे आदरणीय अशोक लोसर भी कहते हैं बार बार कि एक ही लघु कथा को वो बार बार पढ़ते हैं तो लघु कथा कुछ अलग होने लगती है, रंग अलग होने लगता है। तो निश्चित ही अपना मूल्यांकन खुद ही आदमी कर सकता है अगर उसको 2-3-4 पढ़ता है, जब भी समय मिले। हाँ ये है कि और आज का जो समय है, आज के समय की यह मतलब आज की परिस्थिति यह है कि हम एक बार टाइप किए मोबाइल पर और पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पर, उसमें अनेक गलतियां रहती हैं, अनेक चीजें उसमें सुधार की गुंजाइशें रहती हैं, और लेकिन हम उस पर देखते नहीं, इतना हमारे पास पेशेंस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए, एक दो बार तो कम से कम पढ़ ही लेना चाहिए फिर डालना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरा मानना ऐसा, बिल्कुल सही मानना है। सुमन सुनीता अग्रवाल जी कहते हैं बिल्कुल सही है। रश्मिधर जी जो खुद ही कलाकार हैं लिखते हैं कि आपकी जो कविताएं हैं दे आर अ ट्रीट, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, वाकई इनकी कविताएं ट्रीट हैं, सुनने में कहते हैं ना फीस्ट टू द ईयर, वाकई। मैं जानना चाहूंगी, आपने नाटक लिखा, आपने कहानियां लिखी, आपने लेख लिखा, आपकी किताबें पब्लिश हुई, आपने कविताएं इतनी खूबसूरत लिखी, फोक पे आपने इतना काम किया, तो जो नए लेखक हैं जो लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं देखूं तो जो अगर हम नाटककारों की बात करें तो बहुत नाटककार, ज्यादा नाटक लिखने वाले लोग आज की तारीख
से नहीं, जो मतलब पुरानों की बात नहीं करी मैं, जो नए अगर नए नाटककारों की बात करी, तो जी ऐसा आपके जी ख्याल में ऐसा क्या रीजन है कि नए नाटककार नहीं, जो अपनी मौलिक कृति को लेकर आए बहुत कम है? मुझे लगता है, मैं अपने विचार से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक तो लोग आज भी समझते हैं कि रंगमंच पर या मंचों पर या नाटक के क्षेत्र में अगर इसको हम एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहें तो बाकी की तुलना में हमें फेम भी बहुत कम मिल पाता है, बाकी की तुलना में, जैसे मान लीजिए टेलीविजन और फिल्म वगैरह में जो चले गए या उस पर जो लिख रहे हैं तो वहाँ पैसे भी कम मिलते हैं इसकी तुलना में, यहाँ कम मिलते हैं वहाँ अधिक मिलते हैं, इसलिए मुझे लगता है लोग नाटकों जो इसको एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं नाटक लिखना नहीं चाहते। दूसरी बात यह कि रंगमंच जो भी बड़े बड़े शहरों में जो मंच हैं वहाँ पर अभी भी जो लोग कम देखने जाते हैं, नाटक से लोग कम लोग जुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से नाटक की खूबसूरती को लोग नहीं पहचान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं लिखने के लिए कहां से प्रेरित हुआ, तो वही ग्रेजुएशन की बात है, आज भी हैं मेरे प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत मिश्र, एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आज भी संपर्क उनसे है। तो सर मैं मेरी मतलब बहुत दुबला पतला था, आज थोड़ा सा हो गया हो तो मेरी हाँ दुबला पतला छोटा सा था सर। जितने साल मैं रहा, जितने नाटक कराते थे जबरन, मुझे डांट डांट करके जबरन अपने साथ जोड़ते थे, वह बहुत फायदा, बहुत काम किया। वहां से जो होता है ना मंच का जो डर है ना, वो खत्म हुआ, और वहां से एक उसके बाद से अनेक नाटकों को पढ़ने का मौका मिला, मैं खूब पढ़ा भी, और जो लिखना शुरू किया इसके लिए मेरा प्रोफेशन जिम्मेदार है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले को कि मैं शिक्षक हूँ पेशे से, तो शिक्षक मैं एक स्कूल का टीचर हूँ, तो टीचिंग का यह लाभ मुझे लगा कि और भी मैं साहित्य का हूँ, हिंदी का हूँ, तो जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो भी वार्षिकोत्सव होते हैं, एनुअल डे होते हैं, उसमें जो कुछ भी या अनेक कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो नाटक वगैरह लिखने के लिए हिंदी वालों को दिया जाता है सबसे अधिक कि भैया लिखो, तो वो किया हुआ या वो देखा हुआ का लाभ यहाँ हुआ कि मैं लिखने लगा, छोटे छोटे लिखने लगा, और लिखते लिखते लोगों को पसंद आने लगा, तो हिम्मत बढ़ने लगी। इसकी कमी होते जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि युवा वर्ग नाटकों से दूर हटता जा रहा है, जबकि नाटकों का एक अलग रंग है। सोचे कि कितना मजा होता है कि एक अकेला राइटर अनेक पात्रों को जी रहा है। कई बार तो मैं आपको बताऊं कि एक नाटक लिखा था विश्वासघात, मुझे कश्मीर हमेशा से प्रेरित करता रहा है, पता नहीं क्यों, तो विश्वासघात में लिखा था, सच में बता रहा हूं, और आज मेरे सबसे अधिक जो मित्र हैं अगर किस राज्य की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के हैं, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी, तो यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। समझे कि उस पर मैं एक लिखा था विश्वासघात, आप समझ सकती है, मैं 1999 वगैरह में लिखा था ये, जब कारगिल वगैरह चल रहा था, तो उसमें कई बार लिखते लिखते, और मैं अपने आप को बंद कमरे में लिखते लिखते कई बार मैं छोड़ करके, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, सही बता रहा हूँ, पेन पटक करके मैं खड़ा हो गया हूँ कि ऐसे भी हो रहा है, अपने ही लिख रहा हूँ और अपने ही से पूछ रहा हूँ कि ऐसे भी हो रहा है, मैंने वो क्रोध, वो जो विश्वासघात हो रहा है हमारे साथ। और कई बार उसमें एक ऐसा दृश्य था कि एक छोटी सी बच्ची को गोली लग जाती है, ठीक है, तो वो उस दृश्य को देखकर कई बार मैं सच में बता रहा हूँ कि मेरे आंख से आंसू बहने लगे, और मेरी माँ आकर के कह रही है कि क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, क्यों रो रहे हो, क्यों आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो ये नाटक लिखने वाला ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक साथ कई पात्रों को जी सकता है, एक अलग ही रंग है इसका, एक अलग ही दुनिया है। और सौभाग्य है कि आज भी मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां पर मुझे वार्षिकोत्सव के स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का मौका मिलता है, तो मन की वो चीजें, वो बातें जो हैं, वह रंग अभी भी मतलब जारी है, लिख रहा हूँ। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और विनीता ठाकुर जी, जो मैंने कहा कि बिहार से और बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं, आपकी बातें बहुत गहरी हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लिखा। एंड सुमन जी जम्मू से लिखती हैं कि कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती हैं ऐसे अनमोल हीरे, कितनी खूबसूरत बात कर रही हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत आपकी, आपका बात करने का अंदाज
और जिस तरह से खूबसूरती से आप बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपके फेवरेट, अगर हम राइटर की बात करें हिंदी में, जो लेखक रहे हैं चाहे कवि रहे जी, हैं, तो कौन, किन से आप सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं? मैं कवियों में, मैं सही बता रहा हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मेरे सबसे प्रिय कवि रहे हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो सबसे जो कठिनतम कविता कही जाती है, वो कठिनतम कविता भी हम लोगों ने हम मैं और मेरे मित्र ने हम लोगों ने याद की, राम की शक्ति पूजा, तो राम उसको की हम लोग शक्ति याद किए आज। जी, आज वो बहुत कम याद है, लेकिन फिर भी वो कठिनतम कविता याद है कि रवि हुआ अस्त ज्योति की पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का, तीक्ष्ण शर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशील संवरणशील नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, ऐसे तो निराला जी मेरे प्रिय कवियों में से रहे हैं। और कहानीकारों की बात कहें तो सच में सबसे अधिक सबसे करीब मैं प्रेमचंद जी को मैं खूब पढ़ा हूँ और उनका उनको मानता हूँ, लेकिन बाद में मैं राही मसूम रजा को भी खूब पढ़ा हूँ, राही मसूम रजा को खूब पढ़ा हूँ, क्योंकि उनकी एक उनका एक उपन्यास है टोपी शुक्ला, वो बेसिकली सीबीएसई के 10th में उसका एक छोटा सा पार्ट भी है जी, टोपी शुक्ला। लेकिन टोपी शुक्ला में जी, टोपी शुक्ला में उन्होंने, जैसे कि आपने बताया, भोजपुरी उस कल्चर को उठाते हुए और उसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत शब्दों को यूज किया है उन्होंने कि यह किसी को भी देखने लायक है। मुझे फणीश्वरनाथ रेणु साहब बहुत अच्छे लगते हैं, खूब पढ़ा हूँ उनको, हो सकता है फोक के कारण ही। और वर्तमान में मैं श्री अशोक लवसर को खूब पढ़ता हूँ, वेदव्यास पांडे जी को खूब पढ़ता हूँ, इनके इनके किताबों को पढ़ता हूँ, तो ये लोग मेरे रहे हैं। गजल के लिए मैं गजल भी पढ़ता हूँ, तो गजल के लिए मेरे वही साहित्य गुरु जो हैं श्री आर.डी.एन. श्रीवास्तव सर, उनकी गजलें मुझे बेहद पसंद हैं। मैं ठहर के दम कैसे लूं भला, मुझे याद है मैं सफर में हूँ, मुझे अंधकार का खौफ क्यों, मैं तो बिजलियों की नजर में हूँ, ये पंक्ति वाह, मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं बात ठहर के है, दम कैसे लूं भला, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप अपनी लिखी कोई हमें कुछ और सुनाए, अगर गजल हम जल्दी जल्दी जरूर चाहेंगे कि आप मैं अपना अपने लिखा हुआ मैं सुनाए। अपने मैं अपने अपना लिखा हुआ मैं वह गीत सुना रहा हूँ जिसका सुधार मैं बता रहा था कि 10 साल बाद जो हुआ, जिसका रंग आया, तो सुने वह भी, वह गीत भी प्रेम गीत है, उसमें कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग करने का प्रयोग किया गया है। मैं प्रयास करता हूँ गाने का, अगर बुरा लगे तो आप लोग कान मूंद लेंगे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। जी, शीर्षक दिया था मैं कि मैं कैसे कैसे भूलूं तेरा प्यार, असहज मन को सहज करे तू, असहज मन को सहज करे तू, गढ़ के बारंबार कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे भूलूं तेरा प्यार। कुछ चित्र देखें, उत्सव पर्व की चाहन कोई, अन्य नूतन उत्साहन कोई, उत्सव पर्व की चाहन कोई, अब नूतन उत्साहन कोई, चाह रहा मन बार बार अब तेरा ही अभिसार, कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे भूलूं तेरा प्यार। भटक रहा था तृषित हरिण मन, जय श्रीहीन व्यथित यह जीवन, भटक रहा था तृषित हरिण मन, जय श्रीहीन व्यथित यह जीवन, शून्य हृदय की नवकलिका तुम, खिली हुई कचनार, कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे क्या भूलूं तेरा प्यार, बात, दिखे डगर ना, दिखे डगर ना खुले पलक से, खिल जाता मन एक झलक से, दिखे डगर ना खुली पलक से, खिल जाता मन एक झलक से, तमस क्षेत्र में अखिल धरा का तुम उज्ज्वल संसार, कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे
कैसे भूलूं तेरा प्यार। अगला छंद देखें कि कर्म राह में हार कराही, बन सका ना सफल सिपाही। कर्म राह में हार कराही, बन सका ना सफल सिपाही। विपद ग्रंथ का सकल पृष्ठ में तुम हो सुख का सार। कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे भूलूं तेरा प्यार। डर बैठा मन जीवन राह का, शव बिछते गए मेरी चाह का। डर बैठा मन जीवन राह का, शव बिछते गए मेरी चाह का। जीवन सिंधु का कुशल मांझी में तुम नौका पतवार। कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे भूलूं तेरा प्यार। अंतिम छंद देखें, तेरे लिए अब क्या चिंतन, तन मन धन जीवन सब अर्पण। तेरे लिए अब क्या चिंतन, तन मन धन जीवन सब अर्पण। चित्र हृदय में और न कोई, बस तेरा अधिकार। कैसे भूलूं तेरा प्यार, कैसे भूलूं तेरा प्यार। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत केशव जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सुमन जी लिखती है सुंदर अभिव्यक्ति शुद्ध हिंदी में। अर्षाद मासूम जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं अब क्या बात। सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, बहुत वाकई बहुत खूबसूरत। मैं अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी भविष्य की क्या योजना है, क्या लिख रहे हैं कुछ नया, और जो नए साहित्य के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, और आप क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? जी, मैं सबसे पहले तो अपने गुरु की बात को भी यहाँ रखूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए वह आदर्श वाक्य है। मैं उसको फॉलो करता हूँ और मानता भी हूँ कि लिखना है तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनका भी कहना था कि गिलास भर जाएगा तो छलकेगा, तो पहले गिलास खूब भरें, उसके बाद से। हाँ, निश्चित है कि आज के बच्चों के पास बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है और खूब अच्छी तरह से लिखते हैं, लेकिन एक बार गिलास भरें तो और अच्छा रहेगा। तो खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। और जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी एक सर्वभाषा को लेकर एक काम भी करते हैं, सर्वभाषा ट्रस्ट, तो उसके माध्यम से भी नए रचनाकारों को भी मौका दिया जाता है। और वहाँ पर हम जो भी, जिस भी भाषा में कोई लिखता है, जिस भी भाषा में, उस भाषा की रचना को हम प्रकाशित करते हैं। अभी हमारी जो कोरोना की वजह से इधर हमारी जो पत्रिका आती है नहीं आई, लेकिन पहले जो जनवरी फरवरी मार्च का अंक था, आपको अच्छा लगेगा और आप लोगों की शुभकामनाएं मिलेंगी जो श्रोता देख रहे हैं, कि उस अंक में 44 भाषा बोलियों की रचना हमने सम्मिलित की थी, जिसमें आपकी मेरी भी है, पूंछी भी है, आपकी एक परम मित्र भी है रोमेश शर्मा जी, उनकी रचनाएं पूंछी में खूब वहाँ हम लोग छापित रहे हैं, डोगरी इत्यादि तो खूब छपती ही है। तो यह एक अच्छा वहाँ भी प्लेटफॉर्म है। और निश्चित है जब बच्चे, जब कोई भी, जब मुझे लगता है कि लिखने लगता है, मैं भी कभी बहुत भटका हूँ कि मेरी एक दो रचनाएं छप जाएं, कभी मैं गोरखपुर में एक दो दो तीन समाचार पत्रों में भी गया था, पत्रिकाओं में भी गया था, ये अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 1996-97 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले कृपा से उसके बाद से ऐसा हुआ कि गोरखपुर से जो दैनिक जागरण जो प्रकाशित होता रहा, तो गुरुवार को उनका एक अंक आता था गुरुवारीय, तो गुरुवारीय में वो केवल साहित्य, कला और संस्कृति पर व्यस्त था। और आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि वहां से, वहां एक मेरे बड़े भाई हैं श्री नवीन पांडे जी, जिन्होंने प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से मैं लोक साहित्य को, लोक साहित्य पर भी खूब लेख लिखा और लगभग हर गुरुवार में मेरे लेख भी प्रकाशित होते रहे। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लेख उसमें छप रहे हैं और इस अदने केशव मोहन के भी लेख छप रहे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात हुआ करती थी। तो निश्चित ही जो लिखेगा उन्हें मौका मिलेगा ही, बहुत बड़ा संसार है और बहुत से माध्यम है। आपके जैसे लोग हैं जो मेरे जैसे लोगों को पता नहीं, इतना आप लोग इतने बड़े बड़े, हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ आए, और आप सच में आप यहाँ आए और आपने अपनी जो जर्नी हमसे शेयर की, खास तौर पर जो फोक की बात की, जो आपने अपनी कविताएं सुनाई, जो आपने कमाल कमाल, मैं
वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और मैं यहाँ पे चाहूंगी कि अगर आप जिस तरह से आपने सोहर सुनाया उस तरह से कुछ और अगर आप हमें सुनाने चलते सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाता हूँ। वही मैं कहने जा रहा था, फोक के प्रति भी मेरी लगाव मेरी रुचि जो बढ़ी, उसमें पूरा का पूरा उसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहता हूँ, मेरी माँ के कारण ही। मेरी माँ क्या, मैं बताया, चार भाई में सबसे छोटा और तीन बहनें, सात हम लोग संतान, तो उसमें सबसे छोटा था। तो मुझे लगता है कि उनके वृद्धावस्था तक मैं उन लोगों के साथ ज्यादा रहा। मैं बहुत कुछ बातें आदमी नहीं कह पाता है लेकिन गाने के माध्यम से कह लेता है। तो मेरी माँ क्या होता था, कई बार जब दुखी होती थी, देखती थी कि उनके बच्चे किसी उत्सव वगैरह में घर नहीं आए, तो उन्हें लगता था कि जो नौकरी है ना, ये कैकई है। और वो कैकई मेरे राम लक्ष्मण और मेरी सीता को वनवास भेज दी है। मैं उस प्रसंग को सुनाता हूँ जो गाती थी। सच में मानिए कि जब वो गाती थी, मैं उनके पास रहता था, गाती थी तो गाते गाते खूब रोने लगती थी, खूब रोती थी। और जब माँ रोती थी तो मेरे भी आंख में आंसू आ जाते थे। उन्होंने कहा, कैकई नौकरी है, देखिएगा इस बीम को, कि कैकई बड़ा कठिन तू कैलू, राम के बनवा दी हलू ना, हो हमरा कवल हो करेजवा के तू बनवा दी हलू ना, हो हमरी सीतली हो पतोहिया के तू बनवा दी हलू ना, कि कैकई बड़ा कठिन तू कैलू, राम के बनवा दी हलू ना। जब ही सुनता था तो सच में बताऊं कि आज भी जब वो याद करता हूँ उस दृश्य को, तो कहीं और खो जाता हूँ मैं। और वहीं से उनसे गवा गवा कर बहुत सारे, उस समय ऑडियो कैसेट्स जो आते थे, बहुत सारे सोहर और गीत ऐसे मैं गवाया कि, और मैं इस गाने को पूरा नहीं गवा पाया। और इस गाने को मुझे लगता है कि कोई अगर सुन भी रहा हो, इस जानता हो, तो मुझे भेजे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह पारंपरिक गीत है, लेकिन कहीं मिला नहीं मुझे। मैं बहुत सच, तो माँ से सब ये धन मुझे मिला और मैं सजो कर रखता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी केशव जी, जबकि शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज था यहाँ, जो आप आए और जिस तरह से आपने अपनी जर्नी शेयर की और बहुत ही खूबसूरत, और हम लोगों को इतना अच्छा सुनने का मौका मिला, और हम, ये हमारा सौभाग्य है। और जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं सभी ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लिखा है, मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उस लायक समझा, जबकि सच में मैं अभी भी, मुझे लगता है कि काश मैं साहित्य का क ख ग भी सीख पाता। अभी भी ये तो मुझे बहुत लगता है कि मैं बड़ी कुछ बात भी तो लिख पाता। तो आपने मुझे इस मंच के लायक समझा, यह मेरा सौभाग्य है। और जितने श्रोता दर्शकों का आशीर्वाद मिला, मैं उन सब के प्रति, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सादर प्रणाम। सादर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नमस्कार। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस खूबसूरत सेशन में हमारे साथ रहे, इतनी खूबसूरत केशव जी ने बात की और कितना खूबसूरत उन्होंने सुनाया और कितनी किताबों का जिक्र किया जो उन्होंने लिखी है, चाहे नाटक हो, चाहे लेख हो, कहानियां हो, फोक हो, कविताएं हो, और उन्होंने जो गा के सुनाया बहुत ही खूबसूरत, सच में माँ का, सच में जिस तरह सरला जी लिखती हैं कि माँ का सही में आशीर्वाद है उन पर सच में, और बहुत ही सहज इंसान और बहुत ही बेहतरीन लेखक। तो कल शख्सियत में हमारे साथ रहेंगे 4 बजे रवि तनेजा जी, जिनको मैं लेजेंड कह सकती हूँ थिएटर के फील्ड का, रंगमंच का, और उनका किसी तारीफ के मोहताज नहीं, रवि तनेजा जी कल शाम को 4 बजे हमारे साथ रहेंगे, और कल शाम को 7 बजे, क्योंकि किशन भान जी हमारे साथ थे तो उनका नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो कल शाम को 7 बजे किशन भान जी हमारे साथ रहेंगे, और 4 बजे हमारे साथ रहेंगे दिल्ली रंगमंच का, पंजाबी रंगमंच का एक बड़ा नाम रवि तनेजा, और कल शाम को 7 बजे किशन भान जी। तो रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।